ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ SSC GD के बारे में। SSC GD का डेट बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। SSC GD का डेट बढ़ा दिया गया है। पहले ये डेट 17 तारीख तक था, लेकिन अब इसको डेट को बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 सितंबर तक कर दिया गया है लास्ट डेट दोस्तों, ठीक है। आप लोग मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, ये जो देख सकते हैं आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस कर दिया है दोस्तों, जो कि आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि SSC दिल्ली के द्वारा, बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। कॉन्स्टेबल GD इन CAPF एंड NISSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट, यानी डेट को बढ़ा दिया गया। मैं दिखाता हूँ पूरी जानकारी, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉन्स्टेबल GDN। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, SSC GD, RPF, SSB हेड कॉन्स्टेबल, ठीक है, और भी बिहार पुलिस, इसका डेली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे चैनल पर। डेली GKGS का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग जरूर देखें उसको, ठीक है। और किन्हीं को में कोई सवाल करें कमेंट्स करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 17 तारीख तक तो लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देता हूँ, देखिए दिख रहा है ना, 17 तक लास्ट डेट आपका था ये, 17/8 तक आपका स्टार्टिंग, ठीक है। 17/8 से स्टार्ट था और 17/9 तक, यानी कि 17 सितंबर तक आपका लास्ट डेट था दोस्तों, ठीक है। और जो कि अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, डिसाइडेड टू एक्सटेंडेड द क्लोजिंग डेट फॉर्म फिलअप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द सीट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म 17/9, यानी कि 17 सितंबर से 30 सितंबर तक कर दिया गया। यानी 17 सितंबर को था तो बहुत भारी संख्या में भीड़ हुआ, सर्वर प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे भाई लोगों का फॉर्म भी गलती हो गया है। तो अब देखिए फॉर्म जिनका गलती हुआ है, फाइनल सबमिट हुआ है, अब शायद फिर एडिट का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, अब ऐसा तो नहीं पता, लेकिन आना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे भाई लोगों का कि फॉर्म एडिट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट होने के बाद एडिट आप नहीं कर पाइएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अब SSC अगर शायद नोटिस निकालता है कुछ इस तरह का, कि अगर एडिट किया जा सकता तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, तो बहुत सारे भाई लोग नहीं भर पाए थे फॉर्म को, तो इस चलते SSC ने डेट को आगे बढ़ा दिया है। और इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, शायद सुनने में आया कि जनवरी में होने वाला है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। जनवरी में होने वाला है एग्जाम इसका, जैसे CGL का एग्जाम खत्म होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है 30/9/2018 तक 5 PM तक आपका है, एज रिगार्ड पेमेंट टू मेड, यानी 30/9 तक आप लास्ट पेमेंट कर पाइएगा, ब्रांच से करें या फिर चलान के माध्यम से करें। यानी लास्ट डेट आपका SBI के माध्यम से जो चलान डेट है वो 3/10 तक दिया गया है, यानी कि 3 अक्टूबर तक आप लास्ट चलान के माध्यम से यह कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट डेट आपको बढ़ा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है अंडर सेक्रेटरी के द्वारा, 12 तारीख को ही नोटिस आया है, मैं थोड़ा लेट हो गया है। जो भाई लोग जान रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख लें जो भी है, यहाँ पर अभी न्यू नोटिस आया था 12 तारीख को, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल यूट्यूबर्स मैं नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो भी है मैं जितनी भी जानकारी देता हूँ, मुझे पता रहता है, मैं उतना दे देता हूँ आपको, ठीक है। और किन्हीं के मन में कोई सवाल है, और CISF का रिजल्ट इसी मंथ आने वाला है, और IRB का भी रिजल्ट इसी मंथ आने वाला है, ठीक है, घबराए नहीं। और किन्हीं के मन में कोई सवाल है, SSB हेड कॉन्स्टेबल का भी एग्जाम आपका अभी हो रहा है 14 तारीख को, SSB हेड ASI का शायद एग्जाम है कुछ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बस एक छोटा सा अपडेट था, और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है कमेंट्स करें दोस्तों, ठीक है। जो कोई अगर लास्ट डेट बढ़ गया, जितने भी भाई लोग हैं उनको नहीं पता है, कृपया उनको वीडियो शेयर कर दें, ठीक है, उन भाई लोगों को आप लोगों को मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो बस यही छोटा सा अपडेट था दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।